जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल में देश विदेश तथा झारखंड से जुड़े मुद्दे के बारे में बात किया जाता है और जॉब वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। इसलिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। दोस्तों, आज हम झारखंड के एक ऐसे वीर पराक्रमी महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहे हैं जिसे इतिहासकारों ने कोई विशेष दर्जा नहीं दिया, जिसका नाम है तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के वीर आदिवासी थे। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। 1771 से 1784 तक इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कभी न समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी और स्थानीय महाजनों, सामंतों व अंग्रेज शासकों की नींद उड़ाए रखा। भारत के औपनिवेशिक युद्धों के इतिहास में पहला आदि विद्रोही होने का श्रेय पहाड़िया आदिम आदिवासी समुदाय के लड़ाकों को जाता है जिन्होंने राजमहल झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। इन पहाड़िया लड़ाकों में सबसे लोकप्रिय आदि विद्रोही जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी था। संथाल जाति के तिलका मांझी एक योग्य वक्ता और कुशल तीरंदाज थे। इन्होंने 1778 ईस्वी में पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को खदेड़ कर कैंप से मुक्त कराया। इस संगठन की सक्रियता और तिलका मांझी की लोकप्रियता ने अंग्रेज अधिकारियों को चिंतित कर दिया। अंग्रेज अधिकारी अगस्टस क्वीनलैंड ने एक सचल दल की सहायता से तिलका मांझी को पकड़ने का अभियान चलाया। एक दिन मौका पाकर तिलका मांझी ने क्वीनलैंड को अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला। अंग्रेजों के लिए यह बड़ा आघात था। इसके बाद बड़े पैमाने पर तिलका मांझी और उनके साथियों पर सैन्य कार्रवाई की गई, लेकिन वे इनके हाथ नहीं आए। उनके छापामार हमलों से अंग्रेजों को बहुत हानि उठानी पड़ रही थी। अंततः तिलका मांझी को पकड़ लिया गया। कहते हैं उन्हें 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। मीलों घसीटे जाने के बावजूद वह पहाड़िया लड़ाका जीवित था। खून से डूबी उसकी देह तब भी कुशल थी और उसकी लाल लाल आंखें ब्रिटिश राज को डरा रही थी। भय से कांपते हुए अंग्रेजों ने तब भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वटवृक्ष पर सरेआम लटकाकर फांसी दे दी। हजारों भीड़ के सामने पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तारीख था 13 जनवरी 1785। आज़ादी के हजारों लड़ाकों ने तिलका मांझी का अनुसरण किया और फांसी पर चढ़ते हुए जो गीत गाए, हंसी हंसी चढ़ो फांसी, वह आज भी हमें तिलका विद्रोह की याद दिलाता है। इतिहास सिर्फ तिलका मांझी के नाम भर का उल्लेख करता है, पूरा विवरण नहीं देता, लेकिन पहाड़िया समुदाय के पुरखा गीतों और कहानियों में इसकी विशिष्ट जीवन शैली और अदम्य साहस की प्रस्तुति मिलती है।